युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 1 दिसंबर 2019 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पंचमी शाम 7:13 तक रहेगी और उसके पश्चात षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से लेकर 12:31 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल शाम 4:02 से लेकर 5:20 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। पुलिस में भर्ती युवाओं को आज अपना साहस का प्रदर्शन करने का मौका प्राप्त हो सकता है जिससे उन्हें अपनी बहादुरी के लिए उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। दूध और पानी के व्यापारियों को आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से काफी मुनाफा होगा। आज आप सोच विचार कर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उससे कई गुना रिटर्न आज प्राप्त हो सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आपको अपने सेल्स का जायजा लेकर अपने कस्टमर की चॉइसेस के हिसाब से उनको पैकेज डील ऑफर करनी चाहिए जिससे आपकी सेल्स और बढ़ जाएंगी और आपके लॉयल कस्टमर बेस में भी आज इजाफा होगा। आज आपके शत्रुओं के लिए आपको नुकसान पहुंचाना असंभव हो जाएगा क्योंकि आज आप उनकी योजनाओं को पहले से ही समझकर उनको विफल कर देंगे। आपके पिताजी का भाग्य भी आज आपके कारण चमक उठेगा और उनको आज धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज आप किसी से भी उधार लेने से बचें, अन्यथा आप उसको चुका नहीं पाएंगे और जीवन भर उस व्यक्ति के ऋणी बने रहेंगे। आज पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाने से आपको अपने व्यवसाय में शुभ फल प्राप्त होंगे। धनु राशि वालों, अगर आपके पास नौकरी नहीं है या आप अपनी नौकरी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए
और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आज आपकी दुकान की सेल्स में इजाफा हो सकता है और आपका मुनाफा निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। आज आप थोड़ी सी साबुत उड़द की दाल लें और उसे अपनी दुकान में फैला दें। आपको दाल को फैलाते हुए एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहां करे मेरा, उठे जो डंडी बिके जामाल, भवर सौ नहीं जाए। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं, भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहां करे मेरा, उठे जो डंडी बिके जा माल, भवर सौ नहीं आए। आपको इस मंत्र का जाप पूर्व की तरफ मुख करके करना है और इस मंत्र का जाप 31 बार करना है। जाप करते वक्त आपको दाल को दुकान में बिखेरना है। यह उपाय करने से निश्चित तौर पर आपकी दुकान की जो सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरुजी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। गलत जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरुजी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना। अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।